हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ लस्सी, क्योंकि हम लस्सी गर्मियों के दिनों में पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ मैंने आधा लीटर दूध लिया था, जिसका मैंने दही बना लिया है। कुछ इस टाइप से देखिए, बिल्कुल अच्छा बना है हमारा दही। जो दही के ऊपर जो एक लेयर होती है, जो मलाई होती है, हम उसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं स्पून की सहायता से, बिल्कुल हल्के हाथों से। अब एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए उसको। हम इस मलाई का बाद में यूज़ करेंगे, तो कुछ इस टाइप से स्पून की सहायता से अब आसानी से इसको निकाल पाएंगे। यहाँ पर हमने सारी मलाई निकाल कर रख ली है, हम इसको साइड से रख देते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, सारा दही इसी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए दही कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल गाढ़ा बना है। दही हमारा ऐसा ही होना चाहिए, जिससे लस्सी परफेक्ट बनती है। देखिए आप इसको मिक्सर जार में भी बना सकते हैं, क्योंकि यह मिक्सर जार का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं हाथ से बना रही हूँ। तो यह मैं एक ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगी। आप या तो मथनी भी ले सकते हैं, या इस टाइप से ब्लेंडर भी ले सकते हैं, या कुछ इस टाइप का आपके पास हैंड मिक्सर हो उसको भी ले सकते हैं। या मैं ब्लेंडर की हेल्प से इसको 1 मिनट के लिए फेंट लेते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको फेंट लीजिए 1 मिनट के लिए, कुछ इस टाइप से। देखिए स्मूथ हो चला है हमारा दही। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ मैं आधा कप दूध यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ आइस क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं बच्चे लस्सी पियेंगे, इसलिए मैं आइस क्यूब यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं दूध का यूज़ कर रही हूँ, जिससे हमारी लस्सी का टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। आप चीनी या मोटी वाली भी ले सकते हैं, या पीसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। यह मैं पीसी हुई चीनी यूज़ कर रही हूँ 2 स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर दही खट्टा हुआ तो आप ज़्यादा यूज़ कर लीजिए, अगर कम हुआ तो आप कम यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको भी 1 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेते हैं। हमारी लस्सी बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए एकदम बस ऐसे ही। अब इसको ब्लेंडर को साइड से रख देते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी हमारी लस्सी गाढ़ी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। ये देखिए बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लस्सी की, तभी टेस्ट आता है। अब हम इसको ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये मैंने 3 ग्लास लिए, जो मैंने दही लिया था उससे 3 ग्लास लस्सी बन करके तैयार हो जाती है। अब हमने जो मलाई रखी थी फर्स्ट में निकाल कर, अब हम इसको ऐड कर देते हैं। जब हम लस्सी पीते हैं ना, तब इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है मुंह में। तो 3 ग्लास में थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट आप उसे गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास किशमिश है, तो मैंने किशमिश भी ऐड कर दिए हैं। अगर आपको गार्निश नहीं करना है ड्राई फ्रूट से, तो आप ऐसे सिंपल भी पी सकते हैं इसको। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ड्राई फ्रूट से गार्निश करके ही पीऊँ। अब यह मैं यूज़ कर रही हूँ गुलाब की पंखुड़ियाँ, जो पत्तियाँ होती है गुलाब की, फ्रेश गुलाब की पत्तियाँ हैं मेरे पास। डेकोरेशन के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ। ऑप्शनल है सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट में, अगर आपको डालना है तो डालिए भले। देखिए परफेक्ट बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल होटल जैसी। एक बार बना कर ज़रूर देखिएगा। अगर आपने इस तरीके से इस लस्सी को बना लिया, तो यकीन मानो आप बाहर की बजाय हर बार घर पर ही लस्सी पीना चाहोगे, बाहर की लस्सी पीना भूल जाओगे। बहुत ही परफेक्ट और टेस्टी बनकर तैयार हुई है, एकदम गाढ़ी बनी है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरी यह रेसिपी आपको पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए आपको पास से दिखा देती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है।